रतन राजपूत ने टीवी की दुनिया से भले ही दूरी बनाई हुई हो, लेकिन वो अपने यूट्यूब ब्लॉग्स के जरिए फैंस के साथ कनेक्टेड रहती है। रतन अपने यूट्यूब चैनल पर अपने लाइफ से जुड़ी सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर करती है। अब रतन ने अपने साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताया है, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल रतन ने अपने लिए एक नया फ़ोन लिया है। फ़ोन खरीदते समय उन्हें अपने पहले फ़ोन की स्टोरी याद आ गई। रतन राजपूत ने कहा, जब मैं पटना से दिल्ली गई थी, उस टाइम फैमिली में सबसे पहला फ़ोन मैंने ही लिया था। मैं उस समय दिल्ली में खिड़की से मंडी हाउस जाती थी अपने ड्रामा की प्रैक्टिस करने। एक दिन मैं अपने नए फ़ोन के साथ लौट रही थी, रतन ने कहा, मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान के पास खींचा तानी कर रहा है। एक लड़का मेरे हाथ से मेरा फ़ोन खींच रहा था। लोग देख रहे थे। मैं चीख रही थी कि मेरे फ़ोन छोड़ दो। मैं लोगों से बोल रही थी कि मेरी मदद करो, मेरा फ़ोन लेकर भाग रहा है, लेकिन सब देखे जा रहे थे। रतन ने आगे बताया, शाम के 8:30 बज रहे थे, जब मैं उस शख्स के पीछे बहुत दूर चले गई, तभी अचानक एक लड़का आया। मैंने उनसे कहा कि मेरी मदद कर दो। उस लड़के ने मेरा ज़ोर से हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कहने लगा, चल तुझे तेरा फ़ोन दिलाता हूँ। वो मुझे जंगल की ओर खींच रहा था। उस समय मुझे लगा अब तो मैं गई। मुझे लगा कि अब मैं बचूंगी या नहीं। मैं चिल्ला रही थी और लोग सिर्फ देख रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगा अब मैं और ताकत नहीं लगा सकती हूँ। मैं चिल्ला रही थी, कोई मुझे बचाओ। तभी दो लोग स्कूटर पर जा रहे थे। उनमें से एक मेरी मदद के लिए आया और लड़के ने उस शख्स से कहा, छोड़ इसका हाथ। तो वो शख्स कहने लगा, नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है। रतन ने बताया कि जिन लड़कों ने उनकी मदद की वो दिल्ली के NIFT के स्टूडेंट थे। रतन ने कहा, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज मैं न्यूज़ बन सकती हूँ। मेरे साथ वही हो सकता था जो मैं न्यूज़ में देखती हूँ। उन्हें लगा मैं लड़की हूँ, मुझे संभल कर रहना चाहिए। लेकिन इस न्यूज़ के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्राइडे फिल्म्स को।